मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व जो कि 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यहां का 70% इलाका नक्सलवाद की चपेट में आ गया है। ताजा घटना में यहां वनकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके शव पर नक्सलियों द्वारा लेफ्ट विंग के पर्चे लगा दिए गए। पिछले 2 महीने में नक्सली 3 वन कर्मचारियों की हत्या कर चुके हैं। 22 मार्च को वनकर्मी सुखदेव को मुखबिरी के शक में गोली मार दी गई थी। ये खुलासा केंद्रीय वन मंत्री के लिखे पत्र में हुआ है जिसे उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को लिखा है। इसी के साथ नक्सलियों की चपेट में आ रहे कान्हा टाइगर रिजर्व को सुरक्षित करने के लिए पूरे मामले पर सघन जांच कराने की मांग भी सीएम शिवराज से की गई है। फिलहाल नक्सलियों का वन क्षेत्र में इतना खौफ पैदा हो गया है कि मैदानी अमले ने रिजर्व में गश्त लगाना भी बंद कर दिया है। कान्हा नेशनल पार्क में नक्सलियों का कब्जा जिले में बढ़ रहा है। नक्सली मूवमेंट मामले में सीएम के अलावा दूसरा पत्र NTCA के पूर्व PCCF HS पाबला और ग्लोबल टाइगर फोरम के सेक्रेटरी जनरल राजेश पाल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को लिखा है, जिसमें नक्सलियों के बढ़ते प्रभुत्व को गंभीरता से लेने और सख्त कदम उठाने की मांग की गई है। दरअसल कान्हा टाइगर रिजर्व 2 जिलों के अंतर्गत आता है, बालाघाट और मंडला। इन दोनों जिलों में नक्सली मूवमेंट बढ़ गया है और जब नक्सलियों पर दबाव पड़ता है तो नक्सली डिंडोरी जिले के गांव में आ जाते हैं। कान्हा नेशनल पार्क में नक्सलियों का कब्जा, नक्सलियों की लेफ्ट विंग बना रही दबदबा। पिछले साल राज्य पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने डिंडोरी को नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया था। बीते 2 दशक में प्रदेश का तीसरा जिला है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र घोषित हुआ है। इसके पहले बालाघाट और मंडला को इस श्रेणी में रखा गया था। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क, बालाघाट, डिंडोरी और मंडला में नक्सलियों की लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट लगातार इस क्षेत्र में अपना दबदबा बना रही है। हर साल विशेष पुलिस बल पर इतना खर्च होता है। कान्हा नेशनल पार्क के साथ साथ वनों की सुरक्षा के लिए गठित पुलिस बल के लिए हर साल 24.09 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कान्हा नेशनल पार्क में देश में सबसे ज्यादा 108 बाघ हैं। हर साल 1.5 लाख से ज्यादा पर्यटक यहां पहुंचते हैं, जिनमें करीब 40,000 विदेशी पर्यटक होते हैं। तो अगर आप पिछले 3 महीने का डेटा देखेंगे कान्हा का, तो कंटिन्यूअस पर्यटकों के मूवमेंट में बढ़ोतरी है। तो किसी भी तरह से अगर ये प्रदर्शित करने का प्रयास किया जा रहा है कि पर्यटकों के में भय का माहौल है, ऐसा बिल्कुल गलत है। पर्यटक बिल्कुल निर्भीक होकर ना कान्हा में भ्रमण करने आ रहे हैं, और ये आपको पर्यटकों की संख्या से भी स्पष्ट पता चलेगा।